एक आखिर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सांसद सोहन पुटई का निधन हो गया है। सोहन पुटई का आज सुबह निधन हुआ। 6 महीने से वो बीमार चल रहे थे। कांकेर से 4 बार सांसद रह चुके हैं सोहन पुटई। एक दुखद खबर, आज सुबह पूर्व सांसद सोहन पुटई का निधन हो गया कांकेर में। 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। कांकेर से 4 बार सांसद रह चुके हैं सोहन पुटई। तो कांकेर से एक अहम खबर, जहां पर पूर्व सांसद सोहन पुटई का आज निधन हो गया। आज सुबह उनका निधन हुआ। 6 महीने से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, और आज ये दुखद खबर आई। कांकेर से 4 बार सांसद रह चुके हैं सोहन पुटई। जाहिर सी बात है, एक बेहतर जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी पहचान, 4 बार सांसद रहे तो इस लिहाज से भी लोगों के बीच उनकी खासी लोकप्रियता। और आज एक दुखद खबर, सुबह सोहन पुटई सांसद का, पूर्व सांसद का निधन हुआ। 4 बार से सांसद रहे कांकेर से। तो इस खबर के बाद राजनीति के जगत में शोक की लहर है, और ये दुखद खबर, पूर्व सांसद सोहन पुटई अब नहीं रहे। आज सुबह 6 महीने की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तो 4 बार सांसद रहे हैं सोहन पुटई, और बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में याद किए जाते रहेंगे। एक बेहद दुखद खबर आज सुबह कांकेर से, पूर्व सांसद सोहन पुटई का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। April 29, 1958 को उनका जन्म हुआ था, और काफी लोकप्रिय जननायक अमित चौबे हमारे स्वर्गीय फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सोहन पुटई का निधन हुआ, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, लंबे समय से सोहन पुटई जी बीमार चल रहे थे। सोहन पुटई जी ने आज अपने निवास पर अंतिम सांस ली है 6:30 बजे सुबह। मैं आपको बता दूं कि सोहन पुटई जो है काफी कद्दावर नेता थे। भाजपा से ये सांसद रहे कांकर लोकसभा क्षेत्र के, लगभग 4 बार ये भाजपा से सांसद चुने गए थे। इसके बाद इन्होंने पार्टी को छोड़ने के बाद सर्वाधिक समाज के भी प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और काफी रायपुर में भी एडमिट रहे, बाहर भी ट्रीटमेंट किए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। और आज जो है उन्होंने अपने अपने निवास मोरनपारा में अंतिम सांस ली है, और अभी ये तय नहीं किया गया कि उनका अंतिम संस्कार उनके गाँव में किया जाएगा या कांकेर में होगा। उसको लेकर उनके परिवार और उनके जो करीबी लोगों से बातचीत चल रही है। बहरहाल जो सांसद पुटाई जो है आदिवासी समाज के लिए प्रमुख नेता माने जाते थे, और उनके जाने से पूरे समाज को काफी क्षति हुई है। अमित बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, तो क्या उनके निधन पर राजनीतिक हलकों में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही? देखिए, सोहन पुटाई जिस प्रकार से नेता थे, काफी कद्दावर नेता थे, और आदिवासी समाज में उनकी काफी पैक थी, और काफी कद्दावर नेता ये माने जाते थे। इसको लेकर क्योंकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 4 बार के सांसद रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों में वे काफी लोकप्रिय भी थे, और राजनीति की अगर बात की जाए तो चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें उनकी अच्छी पकड़ थी, और जो है लोगों में काफी दुखी है क्योंकि बड़ा जो आदिवासी नेता कांकेर में खोया है। जी बिल्कुल, इस वक्त की अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पूर्व सांसद सोहन पुटई का निधन हुआ है। 6 महीने से वो बीमार चल रहे थे, और आज सुबह उनके निधन की खबर आई। कांकेर से 4 बार के सांसद रहे, और जैसा कि अमित बता रहे हैं कि वो आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा, प्रतिनिधित्व करते रहे, और जब आदिवासी आरक्षण पर बात चली तब भी वो सामने आए, उन्होंने नेतृत्व किया आदिवासी समाज का। और इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, सोहन पुटई का आज सुबह निधन हो गया। 6 महीने से बीमार चल रहे थे पूर्व सांसद, 4 बार के सांसद रहे कांकेर से। तो खासे लोकप्रिय नेता आदिवासियों के बीच, और एक
बेहतर जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक अलग पहचान सोन पटेल रखते थे। और आज ये दुखद खबर कांकेर से सुबह सामने आई, जहां 6 महीने की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर पूर्व सांसद सोहन पटेल का निधन हुआ। अमित चौबे हमारे स्विगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, आरक्षण के मुद्दे की जब बात आई सामने, तब भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया आदिवासी समाज। जी, आज सर्वाधिक समाज के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी इन्हें काफी पहल की थी। और आपको ये बताना चाहूंगा कि पैसा कानून को लेकर भी समाज का नेतृत्व करते हुए सोहन पटेल सामने आए थे, पूरे समाज को जोड़ने के लिए एक पहल की थी। हालांकि भाजपा से अलग होने के बाद कोई राजनीतिक लाभ इनको नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी जो इस प्रकार से सर्वाधिक समाज को लेकर ये लगातार कार्य कर रहे थे, इसलिए आदिवासी समाज में इनकी अच्छी पकड़ बन चुकी थी। पूरे प्रदेश में आदिवासी को जोड़ने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई थी और उसमें इनको काफी सफलता भी मिली थी। पर अभी जिस प्रकार से तबीयत उनकी बिगड़ी, उसके बाद लगातार इलाज चलता रहा है, पर उनके इलाज में कोई सुधार नहीं आया है। और आज जो है एक दुखद खबर सामने आई है कि सोहन पटेल जी का निधन हो गया है। जी चले अमित, इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी दुखद खबर, एक बड़ा नुकसान यहाँ देखा जा रहा है। 4 बार के सांसद रहे सोहन पटेल का आज सुबह निधन हो गया। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पे पूर्व सांसद सोहन पोटेई का निधन हो गया है। कैंसर के खिलाफ वो लड़ाई हार गए हैं, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सोहन पोटेई ने कांकेर में अपनी अंतिम सांस ली है। वे सर्व आदिवासी समाज के एक गुट के ताकतवर अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पूरा समय आदिवासियों के संघर्ष में लगा दिया, लेकिन बीमारी के चलते आज उन्होंने अंतिम सांस से अपने माहौर बंदा पारा कांकेर के निवास पर ली है। आपको बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटेई 4 बार कांकेर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और 29 अप्रैल 1958 को जन्मे सोहन पोटेई ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से जीत भी हासिल की थी। 1998 में चुनाव मैदान में सोहन पोटेई ने कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा को पराजित कर भाजपा की झोली में सीट डाली थी। और इसके बाद 1999 में झबला अरविंद नेताम को पराजित किया था। 2004 में सोहन पोटेई ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही गंगा पोटेई ठाकुर को पराजित कर टिकड़ी यहां पे बनाई थी। और इसी के साथ ही 2009 में सोहन पोटेई ने कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को भी पराजित किया था और लगातार 4थी जीत का रिकॉर्ड यहाँ पे उन्होंने बनाया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पे पूर्व सांसद सोहन पोटेई का कैंसर के खिलाफ लड़ाई हार गए। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ऐसा जन नेता, आदिवासी के बारे में चोसने वाला नेता थे। आज हमारा 20 में नहीं है, हम लोग बहुत बड़ा आदिवासी नेता को खोए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ यादें जो इस वक्त याद आ रही हो सोहन पोटेई से जुड़ी हुई। वास्तव में सोहन पोटेई जी शासकीय कर्मचारी रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अवसर प्रदान किया और वो नेतृत्व भी अच्छा किए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने और उस क्षेत्र में काम किया, लगातार सांसद भी रहे। और आज मैं उनके निधन पर और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वाभाविक है कि एक समय में उन्होंने उस क्षेत्र के लिए, वनवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासियों के लिए उन्होंने भाजपा का काम किया। अगर हम बात करें लोगों के बारे में, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे, काफी लोगों में सक्रिय रहे, प्रिय रहे, तो किस तरीके से उनके राजनीतिक करियर को देखेंगे यहाँ पे? जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि के नाते जनता के बीच में उनका आना जाना, सब
प्रकार से पार्टी का काम करना ये सतत लगे रहे। आज अब वे नहीं है, अंत अंत में तो वो पार्टी छोड़ दिए थे जी। और उनका मार्ग भी बदल गया था, किंतु भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कि जहां पे अब लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे पोटई, और 6 महीने से बीमार थे सोहन पोटई, उनका निधन हो गया है। पूर्व बीजेपी सांसद हैं और कई यादें, यहां पे एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, कद्दावर नेता रहे। आपको ये भी बता दें कि कांकेर में उन्होंने अंतिम सांस ली। सर्वादिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटई ने 4 बार कांकेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर है। पूर्व सांसद सोहन पोटई कैंसर के खिलाफ लड़ाई हार गए, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पोटई ने कांकेर में अंतिम सांस ली है। सर्वादिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 4 बार कांकेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 4 बार वो कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर चुके थे। 1998 में भाजपा की झोली में ये सीट डाली। 1998 में चुनाव मैदान में उतरे थे सोहन पोटई ने, कांग्रेस के कद्दावर नेता महिम कर्मा को पराजित किया था। वहीं 2004 में सोहन पोटई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही गंगा पोटई ठाकुर को भी पराजित किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बेहद दुखद खबर है ये, क्या यादें हैं उनकी जो आप साझा करना चाहेंगे आज? हेलो हेलो अरविंद जी, आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही जी। बेहद दुखद खबर है ये, कुछ यादें आप मतलब हमारे साथ साझा करना चाहेंगे उनसे जुड़ी सोहन पोटई से? बिल्कुल। आज सुबह सुबह दुखद समाचार उनके घर से मिला, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांसद रहे काके क्षेत्र का, काफी टर्म संभवतः 4-5 बार सांसद रहे, और एक प्रकार से मेरी जगह को उसने भरने का प्रयास किया, और ये कह सकते हैं कि बड़े सफल सांसद और सक्रिय और दबंग सांसद रहे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। इसके अलावा भी जब वो बीजेपी छोड़ दिए तो समाज के काम में काफी साल तक लगे रहे, और समाज के काम में जो उनने योगदान दिया है वो समाज को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि समाज में रह करके और इतना दबंगे के साथ में और आक्रामक होकर के समाज को विश्वास प्राप्त करना समाज का, ये उनने सफलतापूर्वक उसने विश्वास प्राप्त किया है, और समाज के बीच में काफी लोकप्रिय रहे। मैं खुद ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं भी समाज के बीच में उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम करते रहे जी। और उनके प्रति मेरी बहुत कुछ एक सपना रहा कि समाज को आगे बहुत आगे ले जाएंगे और लीड करेंगे काफी साल तक के, पर वो सपना अधूरा रह गया, और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। और शायद वैसा नेतृत्व शायद मिलेगा कि नहीं मिला मैं नहीं कह सकता, पर समाज में पैदा तो होते ही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने जो एक स्थान बनाया है और समाज को जगाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर रहते तो समाज को बहुत आगे तक के और जुझारू समाज बनाने में सफल हो जाते। आज हमारे बीच में नहीं है जी। और खैर, क्योंकि मैंने भी समाज के काम में उनके साथ कंधे में कंधा मिला के काम किया जी। और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा एक सहारक थे, क्योंकि मेरे से तो छोटे थे, और मैं उनको चाहता था कि भाई आप मेरे जगह आप भविष्य में जगह को भरेंगे जी। पर वो सपना अधूरा रह गया, तो मैं आज उनके निधन पे
अपने संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवार के प्रति, जिनका मेरा बहुत साल तक संबंध रहा, उतना बैठना रहा, उनको भी यानी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर उनको परिवार को शक्ति दे ताकि ये दुख झेलने की, और ये पोटाई जी हमेशा समाज याद रखेगी। बिल्कुल, तो समाज जी याद रखेगा हमेशा, क्योंकि अच्छी यादें कई छोड़ के गए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोटाई ने कांकेर में अंतिम सांस ली। वे सर्व आदिवासी समाज के एक गुट के ताकतवर अध्यक्ष रहे। उन्होंने पूरा समय आदिवासियों के संघर्ष में लगा दिया, लेकिन बीमारी के चलते आज उन्होंने अंतिम सांसें अपने माहौर बनपारा कांकेर के निवास पर ली। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पटाई 4 बार कांकेर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 29 अप्रैल 1958 को जन्मे सोहन पटाई ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 4 बार कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। 1998 में चुनाव मैदान में सोहन पटाई ने कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा को पराजित कर भाजपा की झोली में सीट डाली। इसके बाद 1999 में छबिला अरविंद नेताम को भी पराजित किया। 2004 में सोहन पटाई ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही गंगा पटाई ठाकुर को पराजित कर तिकड़ी बनाई, और इसी के साथ 2009 में सोहन पटाई ने कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को पराजित कर लगातार 4थी जीत का रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा जन नेता, आदिवासी के बारे में बात उठाने वाला, आदिवासी के बारे में चोसने वाला नेता था। आज हमारा 20 में नहीं है, हम लोग बहुत बड़ा आदिवासी नेता को खोए हैं।